बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम तैयार करने लगे हैं आलू के इंतहाई मज़ेदार कबाब, जिसके लिए हाफ़ के जी मैंने आलू लिए हैं। इनको मैंने थोड़ा सा हार्ड जो है वो बॉयल किया है, बिल्कुल सॉफ्ट बॉयल इसको नहीं किया। इसको हम बारीक ग्रेटर की मदद से अच्छे तरीके से ग्रेट कर लेते हैं। आलू हमने अच्छे तरीके से ग्रेट कर लिए हैं। अब इसमें शामिल करते हैं हाफ टी स्पून नमक, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1/2 टीस्पून खुश्क धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 दरमियाने साइज का प्याज जिसको मैंने फाइन चॉप किया वो शामिल करते हैं, 5 से 6 अदद हरी मिर्ची है इनको भी चॉप किया ये शामिल करते हैं, तकरीबन 2 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ हरा धनिया, 2 स्लाइस ब्रेड के लिए इनको अच्छे तरीके से क्रश करके हम इसमें शामिल करते हैं। ये देखिए तमाम चीज़ें हमने शामिल कर ली हैं, अब इनको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। तमाम चीज़ों को हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है, अब हाथों को अच्छे तरीके से ग्रीस कर लें ताकि आलू जो है वो हाथों से ना चिपके, और थोड़ा थोड़ा सा मिक्सचर लेकर और बिल्कुल गोल शेप में हम कबाब जो है वो तैयार कर लेते हैं। ये देखिए इसी तरीके से सारे कबाब तैयार करती हूँ और फिर दिखाती हूँ। देखिए माशाल्लाह से कबाब हमने तैयार कर लिए हैं, अब इनकी कोटिंग तैयार करते हैं। 2 टेबलस्पून मैदा हमने लिया है, इसमें हम 1/4 टीस्पून नमक शामिल करते हैं, 1/4 टीस्पून ही चिली फ्लेक्स शामिल करते हैं, थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के गाढ़ा सा मिक्सचर जो है वो तैयार कर लेते हैं। मिक्सचर बहुत गाढ़ा नहीं होना चाहिए, मुनासिब सा होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा पतला ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा, सिर्फ हल्की सी लेयर जो है वो टिक्कियों पर आनी चाहिए। ये देखिए तैयार कर लिया है, एक मैं टिक्की आपको डिप करके दिखाती हूँ। ये देखिए बिल्कुल हल्की सी तैयार आई है कि अंदर से वो धनिया और प्याज वगैरह सारा कुछ नज़र आ रहा है। इसी तरीके से तमाम मैं इसमें डिप करती जाती हूँ और साथ साथ फ्राई करते जाते हैं। देखिए माशाल्लाह से दोनों तरफ से ज़बरदस्त गोल्डन कलर आ गया है। देखिए माशाल्लाह से देखने से कितनी क्रिस्पी जो है फील हो रही है। अब मैं इनको ऑयल में से निकालती हूँ और फिर डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। ये ले ली माशाल्लाह से ज़बरदस्त आलू की टिक्कियाँ हमारी जो तैयार हैं, बहुत क्रिस्पी, बहुत मज़ेदार। देखिए माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त, ऊपर वाली थोड़ी सी हार्ड लेयर और अंदर से सॉफ्ट और कलरफुल। उम्मीद है आपको हमारी आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।